हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? मैं हूँ आपका फेवरेट। आपका क्या? मैं तो अपने माँ बाप का भी फेवरेट नहीं। आज हम बात करेंगे फुद्दू चूतिया बेवकूफ़ शख्स हुसैन तरीन के बारे में। टिकटॉक पे जो सबसे बड़ा चूतिया है और वो गांडू भी है और वो मुथ मरीज भी है और उसको मेरा मम्मा भी चूस रहा है। अमीरों के बालों का स्टाइल। अरे जैसे तुम्हारे बाल हैं ऐसे मेरे कुत्ते का स्टाइल है। दोस्तों उनके हिसाब से ये टैलेंट है दूसरों की मुथ मारना। अबे वो दूसरों के चुस्के लगाने वाला आदमी, ये अगर टैलेंट है तो ऐसा टैलेंट तो जानवरों में भी है, बल्कि मुझे तो लगता है तुमसे ज्यादा इनमें टैलेंट है। जैसे यहाँ पर तुम डांस कर रहे हो ऐसे तो यहाँ पर हमारे बांदर डांस करते हैं। वैसे कोई फर्क भी नहीं है तुम में उसमें। हरामी हो बेटा। तो आज जो भी मैं इतना, मतलब आपने भी मुझे बुलाया और बाकी चैनल वाले भी मुझे रब्ता करते रहते हैं, तो वो उसी वजह से करते हैं कि मैं कुछ। भाई तुम कुछ नहीं है, तुम है पान की दुकान, लड़कियों जैसे चाल और तेरा गोल है माल। ये तो ओवर एक्टिंग करता है, पर इसकी दोस्त देखो वो तो ओवर एक्टिंग की दुकान है। कसम से यहाँ पर जो काम करने वाली मासी आती है ना, बिल्कुल उनकी तरह लग रही हो। ऐसा ही कहकर डूब के मर जाओ, ये कोई टैलेंट है? नीचे गर्दन करके कपड़े चेंज करो, इसको टैलेंट बोलते हैं? नहीं। मैं तो खुद परेशान हूँ यार, इसको अवार्ड किस चीज का दिया गया है? चुतिया पे करने पे। कहाँ से आते हैं? और एक तो ये जब से मैं पैदा हुआ तब से अभी का 17 साल के, 17 साल के आगे बढ़ ही नहीं रही। लानत है उम्र छुपाने। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। भाई क्या करें, एक्टिंग भी यही करेगी, गाना भी यही गाएगी, भी यही मरवाएगी। तू एक्टर नहीं बल्कि ओवर एक्टर है, पता है किस चीज में? चुतिया पे करने में। यार मतलब एक्टिंग अवर एक्टिंग, जब तो ये पता भी था बर्थडे है मेरी, वहां पर हम जा रहे हैं, फिर भी अवर एक्टिंग क्यों इतनी? गरीबों के अवर एक्टर इतनी अवर एक्टिंग करते हैं ना, बस मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, मुझे छुट्टी दे दो। रात जवा है, तू भी जवा है, मैं भी जवा हूँ, मौसम सही है, तू भी यहाँ है, मैं भी यहाँ। जानना चाहती है क्या कभी पब्लिक प्लेस में आपने तू मारी है? हग दिया, हग दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हग दिया। सारे जैसे काम करते हैं वैसे ही सोचते हैं, खुद टिकटॉक पे हगते हैं, खुद यूट्यूब पे हगते हैं, और फिर सोचते भी वैसे ही है। ये समझते हैं हम बहुत फनी कर रहे हैं, इसको लोगों को मजा आएगा, पर हमें तो बहुत गुस्सा आता है जब इसके अवर एक्टिंग देखते हैं। साला इस बॉल का नाम बॉल नहीं बल्कि चूतिया का नाम रख दो इसका। लीमन क्यों खा रहा है ये? अच्छा, हाँ, अबे लीमन खाने की जरूरत पड़ती है इसमें, और मैं तो कहता हूँ एक गाल में डाल दो, ये जो कीड़ा है ना तुम्हें औरत बनने का शौक है वो भी मर जाएगा। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। मुझे अफसोस इन पर नहीं बल्कि इनकी आवाम पे है जो इनको फॉलो करती है, जिसके आधे दांत सफेद और आधे दांत पीले हैं। अबे मुथ मरीज, थोड़ा अपने ऊपर तरस खा, जैसे तुम्हारा डोले है ना उनसे ज्यादा मोती तो मेरी लुली है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं यार बस भी करो, इतनी अवर एक्टिंग क्यों करते हो? प्यार में लगी है। नहीं प्यार प्यार ये सब बिल्कुल मेरी डिक्शनरी से आउट है। कहती प्यार वगैरह मेरी डिक्शनरी से आउट है तो इस चूतिये को साथ लेके क्यों घूमती हो? अच्छा तो प्यार वगैरह तुम्हारी डिक्शनरी से आउट है तो ये किस चीज की एक्टिंग है?
कौन सा वाला? कौन सा वाला? ओ अब देखना ये कैमरा में दिखाना, वो आवाज इतनी ज्यादा करी। बताना कौन सा वाला? सबसे ऊपर वाला। लाओ भाई सुपरमैन की पावर लाओ यार। लेकर आए अभी का बहुत ऊपर है। कहाँ तो बेबी फूल मांगे, लोग तो चांद तारे मांगते हैं। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।